गाइस फाइनली आप लोगों को पता है कि सिंचान पिछले एपिसोड में गाइस जो है जा चुका है, तो अभी मैं गाइस यहां पर जो है आज पुलिस ज्वाइन करने वाला हूं। तो फाइनली गाइस जैसे कि आप लोग मैप में देख पा रहे हो, ये रहा पुलिस स्टेशन और फाइनली गाइस मैं आप लोगों को डायरेक्ट वहीं पर मिलता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो, माइकल आ चुका है कॉप्स वाले यानी पुलिस स्टेशन लॉस सैंटोस पे और यहाँ पर गाइज आज जो है पुलिस वो ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। तो गाइज मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया अभी। यो व्हाट्स अप गाइज, चौड़न गेमर हियर, मेरा नाम है माइकल, वेलकम बैक टू अनदर गेम द वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइज आज हम कॉप्स बनके थोड़ा बहुत गुंडों को मारेंगे और साथ में ही गाइज आज से यहाँ पर इस जेल में हम लोग जो है पुलिस ऑफिसर बन के सिंचान को जो है छुड़वाने वाले हैं, ठीक है, जेल से। तो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले लॉकर्स रूम में हमें जाके अपनी ड्रेस को दोस्तों जो है वेयर कर लेना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, पुलिस ज्वाइन करने के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ ड्रेस काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो ई टू पुट ऑन अ पुलिस यूनिफॉर्म, सबसे पहले मैं पुलिस यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। तो गाइस मैं काफी ज्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर। तो माइकल ने गाइस पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहन ली है, शीशे में देखें तो गाइस हम काफी ज्यादा कूल दिख रहे हैं और मैंने अब यहाँ पर जो है पुलिस ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले आप लोगों को पूरी गेम के जो मिशंस हैं वो पार करने पड़ेंगे, तभी गाइस आप लोग जो है मिशन खेल पाओगे। तो आर्मरी में हम लोग जाके सारे के सारे आर्मर ले लेते हैं और ये गेट बंद है मेरे लिए अभी, तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा गेट खोलने के लिए। तो ओके गाइस फाइनली गेट ओपन हो चुका है और ये रहे गाइस आर्मर। अब ये आर्मर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं बने हैं, यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर आके इन आर्मर को ले सकता है। तो जैसे कि आप लोग देखोगे गाइस, ये एक तरह से ग्लिच है कि अगर मैं कोई भी आर्मर यहाँ पर लेता हूँ तो गाइस वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन होकर दोबारा से वहाँ पर रख जाता है। ये इसलिए है भाई कि ये सिर्फ और सिर्फ वेपन्स मेरे लिए नहीं है, और भी जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ से वेपन्स आके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो ज़्यादा नहीं घूमेंगे गाइस, सब कुछ मैंने जो है यहाँ पर ले लिया है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल अपने आप को एक तरह से पुलिस ऑफिसर महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस अभी जो है ये रहा भाई एक बंदा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, आर्मर ले लेते हैं अपना उठा के यहाँ से हम लोग। तो ये देखो गाइस हम लोगों ने आर्मर ले लिया है और एक बंदे को अपने साथ में मैं ले जाता हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से इसके पास देखते हैं, ई टू गेट अ पार्टनर। तो यहाँ पर गाइस मैंने इसको जो है अपना पार्टनर बना लिया है, अब ये मेरे साथ जाएगा। अब गाइज मैं आप लोगों को कुछ लग्जरी कार दिखा देता हूँ अपनी। तो सबसे पहले अगर मैं बाहर की तरफ में गैराज की तरफ में आप लोगों को अपना दिखाता हूँ, तो बाहर की तरफ में गैराज में गाइज काफी ज्यादा लग्जरी कार है गाइज पुलिस की, जो कि जब आप लोग पूरे के पूरे मिशन कर लोगे तभी दोस्तों आप लोगों को वो कार जो है अवेलेबल हो पाएगी। तो अभी जल्दी से गाइज बाहर की तरफ में मैं चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि भाई कार कौन सी हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पर, और उसके बाद गाइज मैं मिशन करके अपने जो पार्टनर है उसको दे दूंगा और साथ में दोस्तों सिंचान को भी आज की डेट में हम लोगों को छुड़वाना पड़ेगा। ये देखो गाइज फाइनली लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर यहाँ पर रखी हुई है और साथ में गाइज ये वाली भी कार काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो अभी दोस्तों हम लैम्बोर्गिनी अपनी एवेंटाडोर लेके जाने वाले हैं और देखते हैं गाइज कि हमारा पहला मिशन कौन सा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दूसरा हमारा पुलिस ऑफिसर जो पार्टनर है वो भी बैठ चुका है और गाइज इसका सायरन, इसकी लुक और गाइज कितने ज़्यादा खतरनाक इसके जो कट्स वगैरह बने हुए हैं पुलिस के, जो हमारी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब यही है गाइज LSPD वाला जो यहाँ पर है, अब स्वेट सोल्जर्स भी यहाँ पर रहते हैं, तो गाइज अभी मेरे को शील्ड भी लेनी पड़ेगी। तो जल्दी से जाके गाइज मैं यहाँ से शील्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर नीचे पीछे रखी होती है। तो यहाँ पर लिखा है ई टू गेट अ स्वेट शील्ड, तो जल्दी से गाइज मैं ले लेता हूँ। तो फाइनली गाइज ये रही गाइज पुलिस की हमें शील्ड भी मिल चुकी है, मतलब जब आप मिशन सारे कर लोगे तो आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइकल दोस्तों पुलिस ऑफिसर तो बन ही चुका है, साथ में उसके पास शील्ड भी आ चुकी है, उसने सारे के सारे आर्मर्स ले लिए हैं। और सबसे पहले गाइज मैं पंगे लेने के लिए आ चुका हूँ यहाँ पर बिलास गैंग के पास, क्योंकि इन्हीं ने भाई हमारे साथ प्लानिंग करके, प्लान एंड प्लॉट्स करके गाइज इसी ने ही जो बाबा के भाई को हमारे पीछे भड़काया और बाबा का भाई दोस्तों हमारे पीछे पड़ चुका है बहुत ज्यादा गंदी तरीके से। चौप को हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बचा लिया था, भाई लाइट स्टिक दे दी सबके सब गर्दन में और सारे के सारे बंदों को जो यहाँ पर डाउन कर दिया है, ठीक है। तो चलो गाइज यहाँ पर जल्दी से मैं दोबारा आ चुका हूँ और उनके गैंग यानी कि ग्रोव स्ट्रीट पे गाइज अब यहाँ पर जो है मैं कब्जा करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे गंदी रेड मार दी है और उसके बाद मैं अपने जो पार्टनर है ना उसको बोल दूंगा भाई मेरी लैम्बोर्गिनी लेके जितने बंदे हैं ना यहाँ पर बैलास गैंग के सबको तो मार, तब तक गाइज वही एक चांस रहेगा मेरे पास कि मैं सिंचान को यहाँ से बचा पाऊँ। अब दोस्तों सिंचान को बचाने के लिए भी दोस्तों हम लोग पुलिस ऑफिसर तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जेल में जाके उसे आराम से निकाल के कभी भी बोलेंगे जाओ भाई तुम छूट चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन गाइस कुछ प्लानिंग हम लोगों ने की है, वो आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, आप लोगों को पता लग जाएगा। फाइनली शील्ड को लगा के मैं जो बंदों को यहाँ पर ठोक रहा हूँ ना, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलो गाइस, बहुत ज्यादा बंदों को मैंने यहाँ पर मार लिया। अब मैं जल्दी से कोई सी भी खटारा यहाँ पर पुलिस जो कार होती है उसको लेके जाता हूँ, बाकी मेरा पार्टनर जो है अदर बेलास गैंग को मार देगा। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट पे, और यहाँ पर गाइज मैं आते उतर रहा हूँ। शील्ड वगैरह मैंने सारी की सारी लैम्बोर्गिनी में रख दी है, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो गाइज, माइकल जो है उतर चुका है, और यहाँ पर गाइज एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पुलिस ऑफिसर बन चुका है। मतलब गाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, हम यहाँ पर पुलिस ऑफिसर और कोई इज्जत ही नहीं है भाई हम लोगों की। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर स्पेक्स नहीं लगाए हुए हैं, और यहाँ पर ये बंदा स्पेक्स लगा के और यहाँ पर कॉफ़ी शेक वगैरह पता नहीं क्या लेके बैठा हुआ है। अब भाई सलूट मार दे, नहीं तो एक नाइट स्टिक मारूंगा ना, मर जाएगा यहीं पर टकले। अभी भी इसको कोई असर नहीं है। चल भाई ठीक है, तू भी पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से, तो क्या ही मारूँ तेरे को। अभी बेलास गैंग खड़ा होता ना, सीधा भाई इसके मैं पट से हेड शॉट देता। तो चलो, अभी कॉप हमारा जो है अंदर जा रहा है, यानी कि माइकल, अंदर की तरफ में चलते हैं और गाइज देखते हैं कि भाई क्या सीन हो रहा है अंदर। तो जैसे कि गाइज मैं अंदर की तरफ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद गाइज मैं देखने वाला हूँ कि भाई क्या है, कहाँ पर है, कहाँ से जेल का रास्ता है। वैसे गाइज पिछले एपिसोड में ही मैंने दोस्तों जो है पूरा का पूरा एक अंदर तरह से देख लिया था। अब जो हमारा प्लान है उस पर मैं आता हूँ। सबसे पहले लेस्टर को मैंने कॉल कर दिया है, और फिर बताता हूँ हमारी बात क्या हुई। तो गाइज फाइनली मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है, लेस्टर से मेरी बात हुई है। लेस्टर को मैंने बोल दिया है कि ठीक जैसी मैं वहाँ पर उसको फ़ोन करके बताऊँ, तो ये अंदर की जितनी भी लाइट्स हैं पूरे लॉस सैंटोस की तुम्हें जो है कट कर देनी है। जिसके कारण गाइज ऐसा होगा, अंदर के जितने भी बंदे सबसे पहले मैं जाके देख लेता हूँ, फिर मैं उसे बताऊँगा वहाँ पर कि हाँ भाई अंदर इतने ज़्यादा बंदे हैं। लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग चले गए हैं, और अंदर जाने के बाद गाइज वहाँ पर जो है पुलिस मतलब जो लेस्टर है वो लाइन को कट कर देगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओ भाई ये क्या भाई, माता वाता तो नहीं आ गई इन पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर? लगता है गाइज इन्हें अंदर ड्यूटी दे दे कि ये बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी है। कोई बात नहीं, तेरी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और फाइनली गाइज उनको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो माता वगैरह चढ़ जाती है मेरे ख्याल से। तो चलो कोई बात नहीं, अंदर की तरफ में चलते हैं। अभी अंदर की तरफ में आने के बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर गाइज एक बंदा जो है काफ़ी अच्छा डांस कर रहा है, और मेरे ख्याल से प्राइवेट डांस है वो अच्छी तरीके से। और यहाँ पर एक मुश्तंडा खड़ा हुआ है, गंजा भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। एक मैडम यहाँ पे खड़ी है, और इस बंदे का पता है क्या भाई क्राइम है, ये बंदा स्ट्रिप क्लब में जाके बंदियों को बोलता है जहाँ पे पोल डांस होता है, बोलता है कि भाई तुम मत करो मुझे करने दो, और तुम मेरे पे पैसे उड़ाओ। मतलब मेरे ख्याल से पता नहीं क्या चाहता है ये बंदा। और हमने जब इसको जेल में डाला तो यहाँ पर गाइज ये भी जो है प्राइवेट डांस कर रहा है। ये रहा गाइज अपना सिंचैन भाई, जिसने गाइस कल चॉप को बहुत अच्छे तरीके से बचाया, बेचारा अभी भी वो कर रहा है। अबे तू हाथ क्या दिखा रहा है बे टकले, तेरे को बचाने नहीं आया हूँ यहाँ पर मैं। वो जैसे जिम कर रहा है ना, तू भी जिम कर, अपनी सेहत बना यहाँ पर, ठीक है। तो हमें जेलर्स वगैरह से किसी से मतलब नहीं है गाइस। तो अभी जल्दी से मैं बाहर चलता हूँ, और यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ देख लिया है। तो जल्दी से मैं लास्टर को बोलता हूँ और यहाँ पर लाइट कट करने के लिए, और फिर देखते हैं लाइट कट होती है कि नहीं होती है। तो फाइनली गाइज लाइट यहाँ पर कट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पर गाइज मैंने जो है अंधाधुंध कहीं पर भी फायर करना शुरू कर दिया है। तेरी ऐसे कितने निकले यहाँ से। फाइनली दो कॉप्स ऊपर आए, दोनों को मैंने किल कर दिया है, और गाइज सारे के सारे बंदों को मैंने यहाँ पर किल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंचैन को मैंने पहले ही बोल दिया था, उसको टी भी दे दी थी, तो जल्दी से वो बाहर निकल के आता होगा। तुम्हारी ऐसे निकले यहाँ से। तो फाइनली गाइज सबको मैंने यहाँ पर किल कर दिया। ये रहा गाइज सिंचैन आ गया है। अब इसको हम आगे वाले रास्ते से नहीं पीछे वाले रास्ते से निकालेंगे, और गाइज पूरे लॉस सैंटोस की लाइट यहाँ पर जा चुकी है, जिसके कारण गाइस हम लोग जो है सिंचैन को बाहर जाने के लिए बोल सकते हैं। तो ये रहा गाइस सिंचैन, जल्दी आ जा बेटे, और जल्दी से गाइस इसको जो है बाहर छोड़ के आते हैं। तो ये रहा गाइस पीछे वाला रास्ता, आप लोग देख पा रहे हो यहीं पर हमने स्वाइट सीड ली थी, ठीक है। तो जल्दी से गाइस मैं बोलता हूँ सिंचैन तू यहाँ से जल्दी से निकल जा, और देखते हैं भाई फिर आगे क्या होता है। तो फाइनली गाइस सिंचैन को मैंने बोल दिया जाने के लिए, और सिंचैन जा चुका है यहाँ से, आप लोग देख पा रहे हो। और फाइनली अंदर की तरफ में चलते हैं और लाइट को फिर से बुलवा देते हैं जल्दी से, क्योंकि गाइस लेस्टर को मैंने ही बोला था लाइट कट करने के लिए। तो भाई किसी के ऊपर भी जो है नहीं जाएगा शक मेरा ऊपर, जो मेरे ख्याल से अभी तक। तो फाइनली गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो लाइट आ चुकी है, और भाई सारे के सारे बंदों हम लोगों ने डाउन कर दिए हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है पुलिस लग जाएगी, लेकिन फाइनली जो हमारा मिशन था मेन सिंचैन को बचाना, वो हम लोगों ने गाइस बचा लिया है। तो प्लीज़ ऐसी इंटरेस्टिंग GTA 5 की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर लो, ठीक है। और प्यारा सा अपना एक कमेंट जरूर करके जाना। फाइनली यहाँ पर जो है 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ चुकी है, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लव यू।